कैसे हाल चाल है मेरे प्यारे भाई लोग और मेरे प्यारे बहन लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एविल गेमिंग पर। तो आज हम स्पेशली टाउन हॉल 11 के ऊपर एक मस्त पावरफुल हाइब्रिड अटैक करने वाले हैं। शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बिना देर के शुरू करते हैं। सो गाइस, पहले हमने सीज मशीन को छोड़ दिया, उसके पीछे सारे के सारे विजेट को छोड़ दिया क्योंकि विजेट जो हमारे ठीक से फाइनल कर सके। उसके बाद हमारे जो हीरो है वो सारे के सारे छोड़ दिया हमने। तो गाइस देख रहे हो, हमारा जो हीरो है, सबके सब हीरो हमारा बेस के अंदर घुस गया। तो हमने वार्डन का अर्ली एबिलिटी दे दिया क्योंकि सीज जल्दी से जल्दी ना फूटे। उसके बाद एनिमी के जब सीसी बाहर आएंगे उसके ऊपर एक पॉइजन स्वेल दे देना होगा। जब सीसी फूट जाएंगे हमारा, उसके ऊपर एक हील और एक रेस दे देना होगा क्योंकि हमारा जो सीसी है वो अच्छे तरीके से काम करे। सो गाइस देख रहे हो, हमारा हीरो और सीसी ने मिलकर बहुत सारे बिल्डिंग निकल दिया। उसके बाद हमने लेफ्ट साइड से हॉग राइडिंग स्टार्ट कर दिया। होग का पीछे हमने सारे के सारे मिनियन छोड़ दिया क्योंकि मिनियन जो है वो सारे के सारे बिल्डिंग क्लियर करके आ सके। उसके बाद हमने होग के ऊपर हिल दे दिया क्योंकि वहीं पे मोटर है, हिडन टेस्ला भी है और एक्सबो भी है। उसके पीछे साइड से कुछ और होग छोड़ दिया हमने, जो होग हमने बचा रखा था उसके ऊपर भी एक हिल दे दिया हमने क्योंकि वहीं पे विजेट टावर भी है और कैनन भी है। सो गाइस देख रहे हो, हमारा वार्डन और होग जो है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हमारा जो मिनियन है वो अच्छे तरीके से बेस को क्लियर करके आ रहा है। उसके बाद हमने होग के ऊपर और एक हिल दे दिया क्योंकि वहीं पे कैनन और विजेट टावर है। सो गाइस देख रहे हो, इस बेस के अंदर ज्यादातर बिल्डिंग बचा नहीं है, इजिली 3 स्टार निकल जाएंगे। टाउन हॉल 11 के ऊपर होग अटैक करना बहुत ही आसान होता है, ज्यादातर टाइम 3 स्टार निकल जाता है। अगर आप लोग भी ट्राई कर सकते हो ये अटैक किसी भी ओआर और सीडब्ल्यूएल के लिए। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और एक वीडियो बनाने के लिए। तब के लिए बाय बाय।